स्टार्ट न्यू चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में सबसे अच्छी बात एक है एवरी चैप्टर इज इंडिपेंडेंट मतलब समझते हो मींस व्हाट कोई भी किसी से भी रिलेटेड नहीं है मतलब कोई भी चैप्टर कभी चालू करो समझा अभी ये चैप्टर को तो किसी से रिलेटेड नहीं है कभी भी नहीं होगा क्योंकि एकदम एक्सक्लूसिव चैप्टर है क्या लिखा है मतलब क्या खुन का रिश्ता राइट right? चलो खून का रिश्ता हर एक जन को अपने अपने रिलेटिव पता है किसको क्या बोलते हैं फादर्स फादर और इंग्लिश में ओके फादर्स मदर मदर्स फादर इंग्लिश में मैटरल मैटरनल ग्रैंड फादर जनरल रूल्स पप्पा की तरफ जो है ना उसको बोला जाता है पैटर्नल और मम्मी की तरफ है तो मैटर कुछ नहीं लिखा ना तो अजमशन पर होता है पप्पा जिससे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग ग्रैंडफादर मतलब क्या सोचते हैं दादा ही सोचेगा ना नाना तो नहीं सोचते है. सोच सकते दोनों तरफ से लेकिन सोचेंगे क्या पपा की तरफ से राइट तो फादर की तरफ से कुछ भी है दे यूज़ द वर्ड पैटर्नल राइट मतलब समझो फादर के फादर ये फादर की मदर या फादर का ब्रदर या फादर का की सिस्टर या फादर का सन या

Father's brother, <laughs> Father's sister, Father's son. बोलना फादर सन कौन होता है फादर्स डॉटर सेल्फ और सिस्टर किसके लिए सेल्फ अगर एक फीमेल बोलेगी तो सेल्फ हो सकता है मेल बोलेगी तो मेल बोलेगा तो ये तुम लोग कंफ्यूज होते हो यार। अबे तू अगर ऐसा बोलेगा तेरे फादर मतलब योर फादर्स डॉटर इज योर फादर्स सन इज अरे ब्रदर भी, तो भी हो सकता है तू खुद भी हो सकता है तो वो सोचना है एक मेल पर्सन बोलेगा तो क्या और एक फीमेल सोचेगी तो क्या ऐसे में फीमेल ये सोचेगी फादर्स योर फादर्स ब्रदर योर फादर्स ब्रदर अंकल योर फादर्स सन वापस यू थिंक योर फादर्स ब्रदर इज योर फादर्स सन इज फादर्स डॉटर इज या तो सेल्फ और सिस्टर एक फीमेल को पूछा तो आंसर अलग होगा ना ये सब में आंसर अलग नहीं होगा लेकिन ये तो में तो होगा ना फादर्स पाउस स्पाउस मतलब ही क्या होता है हस्बैंड या वाइफ स्पाउस मतलब या तो हस्बैंड या तो वाइफ तो फादर की स्पाउस मतलब इंप्लाइड फादर की वाइफ इज मदर स्पाउस मतलब पता है वही नहीं पता स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ तो फादर है तो यहां मैं क्या लिखूंगा फादर्स हस्बैंड कैसे होगा रे अच्छा इंडिया में नॉट अलाउड है फादर्स हस्बैंड फादर है तो वाइफ होगा फादर्स वाइफ फादर्स वाइफ तो क्या हुई तो वही तो लिखा है <laughs> अंकल्स वाइफ अंकल्स सन कजिन कजिन गुड राइट मतलब वो सब या समझ में आएगा कजिन राइट अगर इसमें से कहीं भी फादर की जगह पर यहाँ पैटर्नल है अगर ये सब में समझो खास करके इसमें ये चार में अगर मदर की तरफ से आए तो मैटर्नल आएगा अगर ये चार में मदर की तरफ से आए तो मैटर्नल मतलब एग्जाम्पल समझा मदर्स फादर तो मैटर्नल ग्रैंडफादर। फादर फादर्स फादर फादर्स मदर फादर्स ब्रदर फादर्स सिस्टर हा लेकिन अगर मदरस फादर आया तो मैटर्नल ग्रैंड फादर मम्मी की तरफ है ना तो मैटर्नल पप्पा की तरफ तो होता है पैटर्नल फादर्स सन या तो ब्रदर या तो सेल्फ फादर्स डॉटर अभी आपको मैं पूछू हु फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये सब जनरेशन उन लोग के हिसाब से पांच जनरेशन है जिसमें हम लोग वी आर कंसिडर इन दिस जनरेशन एज सेल्फ हम लोग सेल्फ हमारे ऊपर के जनरेशन में कौन आएंगे फादर मदर उसके ऊपर में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आपके नीचे है? सन या डॉटर और उसके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर अभी आपको मैं कोई भी बोलूं तो आपको इसमें से बोलना है कि वो कौन से जनरेशन में आएगा वो जनरेशन में आएगा जो हमारी एज के होंगे या वो एज के होंगे वो आपको मैच होना चाहिए एग्जांपल अंकल वेरी गुड अंकल यहां आंट वेरी गुड कजिन थर्ड वाइफ थर्ड हस्बैंड, वाइफ सब इधर आएंगे कि वो अपनी एज की माने जाएगी आज मेरी वाइफ है तो मेरी एज की माने जाएगी राइट right? मैं सिस्टर इन लॉ थर्ड सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ थर्ड ये सब इन लॉज सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ सब हमारी एज के माने जाएंगे सिस्टर इन लॉ मतलब कौन या तो मेरे बहुत सारे होते हैं सिस्टर इन लॉ इज बहुत सारे मतलब मेरी वाइफ की बहन मेरे भाई की वाइफ ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं सिस्टर इन लॉ में बहुत सारे नाम हो जाएंगे समझा वैसे ब्रदर इन लॉ भी ब्रदर इन लॉ मतलब हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं साला आप लोग को बोलते हैं साला मतलब जेठालाल सुंदरलाल वैसा राइट लेकिन ब्रदर इन लॉ में तो बहुत सारे आएंगे जैसे एक फीमेल के लिए जेठ बोलो देवर बोलो उसमें तो अलग अलग नाम होते हैं जेठ देवर होते हैं ना वो सब किस में आएंगे तो फिर नणन सिस्टर इन लॉ लौ। वो पर सोचना है मैं तेरे कितना भी हिंदी गुजराती बोलूंगा एग्जाम में नहीं आने वाला है वो एग्जाम ऐसे ही आएगा ब्रदर इन सिस्टर इन लॉ हाँ सन डॉटर फिर बुरा ही लिखता हूं सन इन लॉ सन इन लॉ कौन होता है डॉटर इन लॉ ठीक है ये सब आएंगे थर्ड जनरेशन कजिन थर्ड जनरेशन जो मतलब मेरे से छोटे एज के होते है, हैं वो फोर्थ जनरेशन मेरे से बड़े एज के हैं वो सेकंड जनरेशन उससे भी बड़े के एज वो फर्स्ट जनरेशन समझा तो आपको पहले वो रिलेशन समझना जरूरी होगा नहीं तो आप नहीं कर पाओगे डाउट है तो पूछो बोलो कोई डाउट है समझाइए हम लोग इधर है हमारे से जो बड़े हैं वो सेकेंड उससे भी बढ़े मतलब पप्पा मम्मी अंकल आंट मतलब चाचा मामा मामा, मामी का चाची सब आ गए किधर आ गए सब सेकेंड में आ गए बुआ फिर आप जो भी गिनो जो भी गिनो वो सब इधर आ गए और दादा दादी नाना नानी सब इधर आ गए पोता पोती वो सब इधर आ गए और बेटे बेटी या बेटे की वाइफ या बेटी का हस्बैंड ये सब इधर आ गए और भी टफ वर्ड्स है लेकिन बोलू फ्यू जनरेशन नीस हु नेफ्यू भाई का लड़का है बहन का लड़का वेरी गुड दोनों का भाई का लड़का या बहन का लड़का इस ने और भाई की लड़की या बहन की लड़की तो यार मेरे को बेसिक्स में ही कंफ्यूज कर दिया रहे। बस समझा अभी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग पेज नंबर 389 पर आना कॉपी बाद में करना पूरा 389 पर 389 पर स्टार्ट करूं करो मिला 389 पर सेंटर में देखो अ मैन मिला पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अभी आपको बहुत इमेजिनेशन है इसमें देखो ऐसा आप एक मैन समझो एक फोटोग्राफ है अ मैन पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ पूरा ऐसे इमेजिन करना है अ मैन पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ बराबर क्या बोला देखो द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर वापस द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैं सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर अभी ये देखो मैन सुनना कैसे सोचना है मैन अभी रिलेशन उसकी बहन के साथ पूछा है. तो ये है मैं सिस्टर इसका बेटा इसका क्या बना इसका नेफ्यू बना यहां तक राइट है इसकी बहन और उसका बेटा मतलब ये इसका बेटा अभी इसकी मैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब मतलब इसकी मम्मी की मम्मी राइट दैट इज मैटरनल ग्रैंड मदर मम्मी हुई ना तो रियल समझा यहां तक अभी क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई ने हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेट टू मैन सिस्टर मतलब ये दो का रिलेशन क्या हुआ माँ बेटी हुआ तो आंसर क्या आएगा मदर वापस एक बार समझा रहा हूँ लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं आप लोग को के समझना बाद में देखो वापस बोल रहा हूँ सुनना मैन फोटो देखकर क्या बोल रहा हूं ये मेरे नेफ्यू की नानी है इतना सोचो इजी वे में मेरे नेफ्यू की नानी है नेफ्यू की नानी मतलब नेफ्यू की मम्मी की मम्मी है और नेफ्यू की मम्मी मतलब मेरी कौन बनी बहन नेफ्यू की दिख मम्मी मतलब मेरी बहन बनी ना क्योंकि <स्यारीड�> नेफ्यू मैंने क्या बोला भाई या बहन का लड़का तो यहाँ आजम पर बहन का ही लड़का सोचना होगा और उसकी मम्मी नानी मतलब इसके लिए मम्मी की मम्मी रिलेशन ये दो का पूछा अगर मेरा पूछा होता ना मेरा और लेडी का पूछा होता तो, तो भी मदर आता लेडी का और मेरा रिलेशन भी सेम होता मेरी मदर ही होती वो हो। समझा ये लोग एग्जाम में घुमाएंगे सीधे क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के देंगे और वो आपको समझना है स्ट्रेट नहीं देंगे नहीं तो समी नहीं कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा ओनली वर्ड हमेशा ध्यान देना ओनली वर्ड जैसे एग्जाम्पल आएगा समझो मैंने कोई फीमेल को पूछा इसको पूछा किसी को भी आपको पूछा राइट या किसी को भी चलो एनी वन यू अलोन सन Brother, देखा अलोन सन ओनली सन सीधा ब्रदर हुर फादर ओनली डॉटर सेल्फ एग्जाम आएगा आपको ऑन द स्पॉट अलोन मतलब फीमेल को पूछा या मेल को पूछा ऑन द स्पॉट ओनली वर्ड बहुत इंपैक्ट करेगा ओनली या अलोन वर्ड नहीं तो ड्यूल आंसर हो जाएगा अगर मैं इसको पूछू के या इसको किसी को भी समझो मैंने पूछा हु इज फादर्स डॉटर तो ड्यूअल आंसर हो जाएगा आप मैं भी हो सकती हूँ मेरी बहन भी हो सकती है या तो मेरे को ओनली वर्ड डालना होगा या तो हाँ मेल को पूछोगे तो चलेगा क्योंकि मेल के लिए सिस्टर ही आंसर आएगा उसके लिए दो आंसर नहीं आ सकते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पेज पर अ वुमन इंट्रोड्यूसेस मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अर मदर देखो अ वोमेन समझो कोई फीमेल है so मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये सन ऑफ द ब्रदर ऑफ मदर मतलब मेरा सिंपल भाषा ये मेरी मम्मी के भाई का लड़का है सन मतलब बेटा ब्रदर मतलब भाई मदर मतलब मम्मी ये मेरी मम्मी के भाई का बेटा है सिंपल वो मेरे मामा का लड़का है आंसर इज कजिन उसमें इसमें स्पrint है डी आंसर है ना डी आंसर उधर लिख के रखो अंकल सन डी आंसर है ना वाले को अंकल्स सन दैट इज कजिन नीचे आंसर में बराबर लिखा उन लोग ने समझा देखो सन ऑफ द ब्रदर ऑफ मदर मतलब मामा का लड़का सबसे इजी वे में बोलने था मामा का लड़का समझा पक्का समझा दो आज तो आठ दस करेंगे और भी मेरे पास इसमें है दस पंद्रह क्वेश्चन है इसमें बाद में करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन करना होगा एग्जाम में आएगा पक्का है नेक्स्ट वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर हु इज प्रसन्ना टू द गर्ल प्रसन्ना सेट ही द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर सिंपल देखो सुनना, मैं अगर ऐसे बोला मेरी मम्मी का ग्रैंडसन कौन मैं रहा हूं मैं रहा हूं मेरी मम्मी का ग्रैंडसन गुड बस ये पकड़ में आ जाना चाहिए मेरा बेटा बस ये आना चाहिए समझ में मेरी मम्मी का पोता मेरा बेटा उसकी वाइफ डॉटर इन लॉ तो उसके लिए मैं आंसर इज फादर इन लॉ ऐसा लॉजिक आंसर इज फादर इपस सुनना, वापस बोला नहीं समझाओगा बहुजन को समझा नहीं समझा इज अ फीमेल मेल, एक, एक। प्रसन्ना इज मेल पर्सन अभी आधे लोगों को लगेगा कि मेरे को तो लगा फीमेल है सुनना सुनना जो लगा वो भी सोचते लगा ऑप्शन देखो चारों ऑप्शन देखो चारों ऑप्शन सजेस्ट कर रहे है, कि वो मेल है मैंने क्या बोला यू हैव टू टेस्ट योर आई क्यू चारो ऑप्शन तो मेल पर्सन हाउ कैन आई थिंक इज अ फीमेल प्रसन्न कौन है एक मेल पर्सन अब मैंने क्या बोला ये लड़की है ना मेरी मम्मी के पोते की वाइफ है मम्मी के पोते की मतलब मेरी क्या हुई बहू मतलब मेरे बेटे की वाइफ तो उसके लिए मैं क्या बन गया ससुर मतलब फादर इन लो लिख के करूं या समझा देखो प्रसन्न सुनना इधर राइट उसकी मदर का ग्रैंडसन लॉजिकली क्या हुआ इसका क्या हुआ और इसकी वाइफ तो इसके लिए क्या बना डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ रिलेशन डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ रिलेशन समझ में आया तीन हुए फोर्थ इफ अरुण विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर हाव इज अरुण रिलेटू विमल देखो वापस बोला हूं सुनो मैं कैसे सोचोगे देखो अरुण सेस मैंने बोला मैं अरुण अरुण सेस विमल्स मदर विमल की मम्मी मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है सुना सुना वापस पहले आपको इंग्लिश ट्रांसलेट आएगा नहीं तो लफड़ा हो जाएगा वो पढ़ना देख पा वापस पढ़ लो मैं अरुण मैंने क्या बोला विमल की मम्मी है ना मेरी मम्मी की इकलौती बेटी वापस बोल बोल रहा एक मेल पर्सन है मेरी मम्मी की इकलौती बेटी मतलब विमल की मम्मी मेरी क्या बनी तो मेरे लिए विमल क्या बना भांजा सोचो वापस चलो वापस सोचो देखो समझो अभी सम्झो, ये विमल मैंने क्या बोला विमल्स मदर इसकी मम्मी मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है। तो मेरी वो क्या बनी तो मेरी वो बहन बनी तो मेरे लिए वो क्या बना बहन का लड़का बना तो गया ना नेफ्यू आंसर क्या आएगा हाँ, तो नन के बाजू में लिखे रखो अंकल एंड नेफ्यू रिलेशन बहुत बार ऐसे पूछ सकते हैं अंकल मतलब अरुण कौन बना या विमल कौन बना तो कंफ्यूजन मत करना अरुण क्या बनेगा अंकल और विमल कौन बनेगा नेफ्यू मैं समझा रहा हूं ध्यान दो अरुण ने क्या बोला देखो अरुण ने क्या बोला अरुण ने क्या बोला विमल की मम्मी मेरी मम्मी मतलब इसकी मम्मी की बेटी है तो ये दोनों क्या बने भाई बहन तो बने ना या नहीं बने ना मेरी मम्मी की बेटी मेरी मैं, आप भी सोचो चलो अपने लिए सोचो आप आपने बोला होता तो भी क्या होता आप आप नहीं हो कोई और है ये मेरी मम्मी की समझो अजीम करो, ये मेरी मम्मी की बेटी तो ऑब्वियसली आपकी बहन ही हुई ना हाँ तो ये दोनों भाई बहन हुए और इसका बेटा तो इसके लिए क्या बनेगा करो आराम से चार करो बाद में चार करते हैं आराम से सोचो कॉपी करो आराम से करते हैं टेंशन आ गया ट्रिक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन सिलॉगिज्म क्रॉक्स कैलेंडर सब लॉजिकल रीज़निंग का है हाँ नहीं समझा तो मैं आपस समझा दूंगा एक बार ट्राई करो पहले चार ही करो आगे मत करो चलेगा चार वापस सोचो

बोलो सन ऑफ मामा मतलब कजिन हो गया इतना समझ में अभी देखो वैसे द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर तो ग्रैंड सन ऑफ माई मदर है ना उसको अंडरलाइन करके लिख दो मम्मी का पोता मतलब मेरी मम्मी का पोता मतलब मेरा बेटा उसे लिख रहे को बेटा नहीं तो आप ऐसे हिंदी में लिखो रे मेरी मम्मी का पोता मतलब मेरा बेटा तो ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मतलब मेरा बेटा और वाइफ ऑफ मेरे बेटे का Father -in -law. समझ में वैसे हम ना वो उसको देखो करके क्या लिख दो डॉटर ऑफ माई मदर सिस्टर मतलब मदर इज माई सिस्टर इजी हो गया जो ज्वाइन करके एक वर्ड लिख दो ना तो स्ट्राइक हो जाएगा तीनों समझा या नहीं समझा वर्ड एक, एक भले जो वर्ड आता है समझ में लिख दो वापस भरू सब ये चार बाद में करना है सोच के करना ऐसे नहीं कि कॉपी करोगे ये चार करो अपने आप कर लिया ये चार पेज 124 125 पर ये चार ये हो गया सबका ये हुआ यहां तक क्या क्या हुआ नहीं हो रहा है ना सर घूम गया ना ना पहला नहीं हुआ ना तो तुरंत दूसरा करने का एग्जाम ऐसा नहीं सोचने का एक नहीं आया तो चार्ज नहीं आएगा फर्स्ट हुआ चल ला बुकला, ना बुक्स एक भी नहीं हुआ 242 चलो मैं देख रहा हूं अ मैन सेट टू मैन सेट टू लेडी सन ऑफ योर ओनली ब्रदर मतलब किसका ब्रदर हुआ लेडी का या मैन का लेडी का इज अ ब्रदर ऑफ माई वाइफ मतलब देखो इधर ध्यान दो देखो आप खाली एक रूल समझना है। खाली पढ़ पढ़ करने से नहीं आएगा आपको पेन चलाना होगा जैसे एक मैन ने एक लेडी को क्या बोला ऐसे लिखोगे द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर मतलब आपके भाई का इसका ब्रदर इसका ब्रदर बेटा आपके भाई का बेटा मेरी वाइफ का भाई है मतलब इसकी वाइफ मतलब ये दोनों हाँ भाई बहन है समझ में आया या नहीं समझा अभी इससे ज्यादा क्या बोलू लेडी को बोला तेरे भाई का बेटा मेरी वाइफ का भाई है मतलब ये दोनों भाई बहन हुआ अभी सोचो इधर ध्यान देना इधर ही ध्यान देना ये दोनों भाई बहन है ये कौन है इसके पप्पा तो इसके पप्पा कौन है ये दोनों भाई बहने तो दो, दोनों के पप्पा ये हुए राइट तो ये क्या बने इसके लिए मतलब इसके लिए ये कौन बनेगे ससुर वाइफ के पप्पा ससुर बने तो ये क्या बन गई ससुर की बहन तो आंसर है हस्बैंड हस्बेंडवाइफ तो ये दो है तो ये दो भाई ऐसे हस्बैंड वाइफ हो गए टू फोर्टी टू राइट टू फोर्टी सिक्स बोलू पहले तो फीमेल तो आ ही नहीं सकती आंसर सन ऐसे ही हो जाएगा बाकी के तीनों तीन फीमेल है आंसर कंफर्म मेल है मनीष और अनिल आंसर ही में आएगा मेल आंसर आएगा सर नहीं आना चाहिए अभी ध्यान दो लेकर सिंपल दो देखो इंट्रोड्यूसिंग मनीष टू गेस्ट ये देखो समझो आप लोग मेरे गेस्ट हो और यहाँ एक दिन खड़ा है ये कौन है मनीष और मैं कौन हूं अनिल हिज फादर इज दी ओनली सन माई फादर देख सीधा सीधा सब सुनना बार ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब मैं खुद अभी समझा रहा हूं एक मेल पर्सन बोल रहा है ओनली सन ऑफ माई फादर ओनली सन ऑफ माई फादर मैं खुद ही हुआ ना मेल पर्सन कितना समझाओ रे हाँ अभी हिंदी में थोड़ी एग्जाम सब इकलौता लड़का मेरे पप्पा का इकलौता लड़का कौन मैं ऐसे बोलू तो उधर लिखो ओनली सर आप मत लिखना बुक में मत लिखना तो ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब मैं खुद हुआ मतलब वहां अनिल हुआ ऐसे सोचो हिज फादर इज अनिल मतलब हम दोनों बाप बेटे हुए तो आंसर विल बी सन मैं आपको समझा रहा हूं देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूं इधर देखो स्टेटमेंट बोलो उसका स्टेटमेंट नहीं, नहीं नहीं वो सब नहीं इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिज फादर इज द सन ऑफ माय फादर अभी ध्यान दो ये कौन बोला बोलो बर ना बराबर ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब अनिल ने बोला मतलब अनिल खुद अभी देखो हिज फादर इज अनिल तो मनीष फादर इज अनिल तो मनीष इज अनिल सन पूरा लाइन ही निकाल दो और उसे अब एक वर्ड डाल दो हो गया नेक्स्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय अनिल सेट ही इज द सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर नहीं समझा वापस देखो हु इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर पप्पा राइट तो इज द सन ऑफ माई पप्पा ऑब्वियसली अब मैं खुद क्यों नहीं हो सकता नहीं नहीं पॉइंटिंग टू तो अ पर्सन पॉइंटिंग है मतलब मैं खुद कैसे हो सकता हूं समझो पॉइंटिंग टू अ पर्सन अगर ऐसे बोलू द सन ऑफ दाई फादर चलो बोलो पॉइंटिंग टू अ पर्सन सन ऑफ माई फादर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो क्या हुआ सेल्फ हो सकता है क्यों तो पॉइंटिंग तो नहीं करता सेल्फ होता मैंने पॉइंटिंग वाला मतलब सामने कोई और पर्सन खड़ा है तो उसको ऐसे करके बोल रहा हूं मतलब वो मैं तो नहीं हूं मतलब इंप्लाइड मेरा भाई है अब ऐसे समझो आप ऐसे बोलो आप बोल रहे हो सो यू आर डॉटर ऑफ योर फादर चलो बोलो डॉटर ऑफ यदर हुआ हा बहर सेल्फ और बोलो शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर हाँ अभी आप सेल्फ नहीं हो सकते हो ग्रामिटिकली सोचो शी इज मतलब आप किसी और को पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप खुद नहीं हो सकते ऑब्वियसली तो आपकी बहन हुई ग्रामेटिकली समझो आप किसी को बोल रहे हो तो आप खुद तो हो ही नहीं सकते आंसर आंसर समझा आंसर क्या सेकंड का ब्रदर 247 का ब्रदर 248 फोर्टी एट ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर देखो ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर मतलब ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर आंट बात करो तुम लोग रे पप्पा की बहन ऐसे बोलने का एग्जाम है क्या तुम लोग सोचते हो रे सिस्टर ब्रदर फादर तो तो वो समझो अभी ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर तो द सन ऑफ बुआ तो कजिन ब्रदर क्लियर बोला वो को निकाल के एक वर्ड सोच लो तो से सा आ जाएगा तो एकदम इजी लगेगा वो जो वर्ड होते हैं एक पैकेज उसको निकाल के एक वर्ड डाल दो उधर वो आपको जो समझना हिंदी का डालो तो हिंदी का डालो ओनली सिस्टर बुआ सन ऑफ बुआ मेरा कजिन ब्रदर खत्म ऐसा ही सोचना है क्लियर हुआ चारों चार चलो अभी आ जाओ इधर वापस पेज 390, 391 करो अभी फिफ्थ वाला तेरे सब राइट किए कॉपी करना है घर पे जाके वापस ब्लड रिलेशन करना शुरू ब्लड रिलेशन एग्जाम में आएगा पक्का है दो मार्क वाले क्वेश्चन ये हो गए अरे आप लोग का कम है सीए में बहुत पूछते हैं आठ आठ माक का पूछते लोग ब्लर्डेशन है सीए में आठ क्वेश्चन आठ मार्क के उन लोग को पूछते हैं तुम लोग को एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन चार मार्क का या दो मार्क का एक क्वेश्चन दो मार्क का आएगा तो दो क्वेश्चन चार मार्क का आएगा पेज नंबर थ्री नाइनटी पर नंबर पांच पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू अ मैन फोटोग्राफ आशा सेड मतलब अभी एक फीमेल बोल रही है और फोटो में कौन है मेल समझ रहे हो ना ओ भाई तुम लोग समझो यार थोड़ा तो समझो मैन फीमेल कौन है अभी आशा बोल रही है और फोटो में कौन है मैन हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन नीस आया नहीं आया देखो हिज मदर्स ओनली डॉटर मतलब किसकी जो फोटो वाले भाई साहब की ना मतलब देखो फोटो जब फोटो में कोई मैन है इसकी मम्मी हिज मदर्स His mother's मतलब मैं मदर की इकलौती बेटी कौन है आशा की मद मतलब ये दोनों क्या बन गए भाई बहन तो अभी मतलब इसकी बेटी आशा तो आशा और मैन का रिलेशन क्या हुआ अंकल एंड नीस नेक्स्ट पढ़ू मस्त क्वेश्चन ये सबसे ट्विस्ट है अ वुमेन गोइंग अ बॉय इज आस्ड अनदर वुमेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम समझा क्या हाँ मतलब होती वैसा मतलब समझो एक फीमेल और एक बच्चा जा रहे सामने से एक फीमेल आके वो फीमेल को क्या पूछती है आप दोनों का रिश्ता क्या है बराबर अभी आंसर देखो अभी उसने कैसे बोला वो देखो द वुमन रिप्लाइड माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द लेडी सिंपल भाषा में बोलू देखो समझो मैं फीमेल और वो बॉय ऐसा सोचो इसके मामा सॉरी मेरे मामा और इसके मामा के मामा दोनों सेम है ऐसा सोचो समझो अभी अज्यूम करो आप फीमेल आपको लीजिए आप समझो आप जा रहे हो और आपके साथ कौन है एक बच्चा है आप क्या बोल रहे हो मेरे मामा और इसके मामा के मामा सेम है सोचो इसका मतलब क्या हुआ आपका समझो आप और कोई और एक पर्सन है खाली आप सोचो आप फीमेल हो और कोई एक पर्सन है जो मेल है दोनों के मामा सेम का मतलब क्या हुआ आप दोनों कौन बने या तो आप दोनों कौन बने आप दोनों कजिन बने या तो या तो भाई बहन दो जन के मामा कभी सेम हो सकते हैं एकदम सिंपल सोचो दो जन के मामा कभी सेम हो सकता है या तो भाई बहनो या तो कजिन हो हो सकता है ना आपके कोई कजिन आप सोचो ना आपके कोई कजिन बता है, दोनों का मामा तो सेम ही हुआ ना नहीं समझा दो जन के मामा कभी सेम हो सकता है या तो आपका भाई बहन राइट मतलब वो लेडी ने क्या बोला उसके मामा अंकल के अंक मतलब मैं और उसके अंकल क्या बने भाई बहन तो वो क्या बनेगा मेरा भाई का बेटा मतलब क्या बनेगा सिंपल एग्जांपल दोनों के मामा कभी हो गए बस ये सोचो तो आ, आ जाएगा मतलब वो दोनों भाई बहन हुए क्योंकि ऐसे बोला मेरे अंकल और उसके अंकल के अंकल मतलब अंकल और मैं एक लेवल पर आ गए मतलब उसके अंकल और मैं एक लेवल पर है मतलब हम दोनों भाई बहन हुए सेम रिलेशन सेम जनरेशन थर्ड जनरेशन में आ गए मतलब वो मेरे फोर्थ जनरेशन में आ गया और फोर्थ जनरेशन में मतलब नेफ्यू यानी ऐसा ही कुछ हो सकता है वो फोर्थ जनरेशन में चला गया नेक्स्ट आंसर क्या आया नेक्स्ट मैन सेट टू लेडी योर मदर्स हसबैंड सिस्टर इज माई आंट अभी ध्यान दो एकदम सिंपल देखो मदर्स हजबेंड मतलब मदर्स हजबैंड फादर योर मदरस हसबैंड मतलब फादर मदर एग्जाम में मदर हसबैंड निकाल के फादर सोचने का फादर सिस्टर मतलब सुनो मैं ऐसे बोल रहा हूं योर फादर सिस्टर इज माई आंट वो क्या बोलेगा मेरे फादर सिस्टर तो मेरी भी आंटी होती है मतलब दोनों क्या हुए भाई बहन पापा दोनों की बुआ कभी होगी सोचो ना मदर्स वो निकाल दो मदर्स हस्बैंड का मतलब फादर वो तो वन कवर कर दो मतलब योर फादर सिस्टर इज माय आंट योर मतलब तेरे पप्पा की बहन मेरी बुआ है वो क्या बोलेगा मेरे पप्पा की बहन तो मेरी भी बुआ है मतलब वो दोनों कौन हुए आप ही सोचो ना आप सर आपका कोई भाई है आपकी कोई बहन है आप डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो उसको उसको उंगली करके बोलो पता चलेगा चल तेरे पप्पा की बहन मेरी बुआ है आप ऐसे किसको बोलोगे कजिन को या डायरेक्ट अपनी बहन को ही बोलोगे आप अपनी बहन को भी ये बोल नहीं सकते बोलो ट्राई करो अरे भाई को बोलो समझा आंसर एंड लास्ट इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई अभी इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो वाई तो ये क्या बनेगा वाई सन वाई सन का सन बराबर है अभी सन ऑफ वाइस सन मतलब ये और एक्स कौन है ये दोनों भाई है ये दोनों भाई है ना तो ये और ये क्या बना अभी सिंपल एग्जांपल इसके अगर ये दादा है तो इसके भी दादा है ना क्योंकि ये दोनों तो भाई है बहुत हो गया आज बहुत हुआ क्या करना है ग्रीन बुक अभी बहुत कम ग्रीन बुक है ना तो, तो मैं दे देता हूँ बात बाद दे तो फोटो भेजेंगे ब्लड रिलेशन के कल ने तो एक्स्ट्रा कुछ करेगा कित ये आठ किए एक्स्ट्रा कितने किए चार बारह ना और चार पांच करने पड़ेंगे पंद्रह सोलह तो करना ही हो गए हर एक के फिर एक्स्ट्रास देखेंगे टफ लगा ट्राई तो करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन ट्रिकी है अभी तक का अगर मैं सबसे ट्रिकी चैप्टर बोलूँ अभी तक का इट्स ब्लड रिलेशन एज कंपेयर टू लॉजिकल सीक्वेंस, कोडिंग वो सब तो भी बहुजन वो का लॉजिकल सीक्वेंस पता नहीं क्या लगा समझा था? डिक्शनरी डिक्शनरी समझा था सबको लॉजिकल सीक्वेंस, एनोलॉजी एनोलॉजी बाकी अभी भी और कोडिंग कोडिंग इजी है ये समझा आज का लेक्चर वापस ठीक है चलो बाय एवरीवन